हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ राजस्थान जीके के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके BSTC की परीक्षा में ज़रूर आएंगे। दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपकी लाइव क्लासेज कंटिन्यू रखूँ तो दोस्तों आप मुझे कमेंट में ऑनलाइन टेस्ट करके लिख लीजिए, जिससे मैं आप लोगों के ऑनलाइन टेस्ट है वो डेली टू डेली स्टेट कर सकूँ। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उदयपुर जिले का पुराना नाम क्या है? चार ऑप्शन है आप लोगों के सामने, जंगल प्रदेश, कुरुदेश, योध्य सिवी और सिवी। तो दोस्तों, कौन सा आपका आंसर है वो एक बार आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। फिर भी कई विद्यार्थी बिल्कुल सही कर रहे हैं, कई विद्यार्थियों का आंसर सही है कि सर डी आ जाएगा, डी के अंदर आ जाएगा आपका कुरुदेश। बिल्कुल काफ़ी विद्यार्थियों का सही है, जिन विद्यार्थियों का सही नहीं हुआ है वो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ट्राई करें। अब यहाँ पर आप लोगों के लिए दूसरा क्वेश्चन हाजिर है। श्री गंगानगर शहर श्री गंगानगर जिले क्षेत्र के किस भाग में स्थित है? मध्य, उत्तर, पूर्व, दक्षिण। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको दो चीज़ें बता देता हूँ जो आपको कोई और नहीं बताएगा। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों में आपको अंतर समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। श्री गंगानगर शहर, गंगानगर शहर गंगानगर जिले के किस ओर स्थित है? तो गंगानगर शहर है वो गंगानगर जिले के मध्य में स्थित है, बीच में स्थित है, सेंटर में स्थित है। तीन तरह से मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा मध्य, आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर राइट आंसर। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ तीसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अधिकतम भौगोलिक दूरी वाला समूह कौन सा है? यानी आपको ये बताना है कि अधिकतम इन दोनों के बीच की जो भौगोलिक दूरी है वो किसकी है। सबसे पहला आ गया जयपुर, जयपुर के बाद आ गया उदयपुर। जयपुर और उदयपुर के बीच की भौगोलिक दूरी कितनी है? और जयपुर से बीकानेर, जयपुर से कोटा, जयपुर से जोधपुर। तो दोस्तों, इन दोनों के बीच की अगर भौगोलिक दूरी की बात की जाए, भौगोलिक दूरी वाला समूह है वो आपके जयपुर से उदयपुर होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा ए जयपुर से उदयपुर। अगला सवाल है, यहाँ पर राजस्थान के नक्शे में निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है? आपके दक्षिण में क्या स्थित है वो आपको पता करना है। राजसमंद, सोजत, मारवाड़ जैक्सन, मेड़ता सिटी। तो दोस्तों, यहाँ पर सुदूर पूछ रहा है कौन सा दक्षिण में स्थित है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए के अंदर आ जाएगा मेड़ता सिटी। मेड़ता सिटी कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों, मेड़ता सिटी है वो आपके नागौर जिले के अंदर स्थित है। यहाँ तक हो गया आपके क्वेश्चन क्लियर कि सर यहाँ तक तो हो गए, अब आप लोग आगे बढ़ सकते हो। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ता हूँ। पाँचवा क्वेश्चन है, उत्तर दक्षिण विस्तार किस जिले का है वह है? यानी कि आपका जो मैप है राजस्थान का, कुछ इस प्रकार का जो मैप है उसके अंदर उत्तर और दक्षिण के अंदर, यानी कि आपका इस तरफ है वो जिला है, इस तरफ का विस्तार है वो कौन से जिले का है? भीलवाड़ा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, झुंझुनू। एक बार आप लोग मैप देखे उसके बाद में समझने की कोशिश कीजिए। तो बिल्कुल कई लोगों का राइट आंसर है कि सर भीलवाड़ा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, झुंझुनू। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर आंसर बता देता हूँ, यहाँ पर आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा। भीलवाड़ा को एक चीज़ और कहते हैं, भीलवाड़ा का अगर उपनाम आ जाए तो इसको बोलते हैं राजस्थान का मैनचेस्टर। भी किसको बोलते हैं? सर राजस्थान का मैनचेस्टर तो भीलवाड़ा को बोलते हैं। राजस्थान का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? भीलवाड़ा को। एक और मैं आपको करंट जीके का क्वेश्चन रेडी करवा देता हूँ। हाल ही में मोदी सरकार जी के निर्देशानुसार हर घर तिरंगा के तहत सबसे बड़ी रैली राजस्थान के किस जिले में निकाली गई? तो सबसे बड़ी रैली है वो राजस्थान के पाली जिले में निकाली गई। लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा तिरंगा है वो, 1.5 किलोमीटर लंबे तिरंगे की रैली निकाली गई और उसका नाम है गिनीज वर्ल्ड बुक के अंदर दायर किया गया है। अब यहां पर आप देख सकते हो रामदेवरा जैसलमेर जिला, यहाँ पर पूछ रहा रामदेवरा जैसलमेर जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? यानी आपके बाबा रामदेव पीर का मंदिर है वो किस तरफ स्थित है? तो दोस्तों, उत्तर, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण। उत्तर के अंदर तो हो ही नहीं सकता, दक्षिण के अंदर हो ही नहीं सकता, सर दक्षिण पे ही क्रॉस मार लो। अब बच्चा पश्चिम और पूर्व, पूर्व के अंदर हो ही नहीं सकता,
पीछे क्या बच्चा पश्चिम, रामदेव जी रामदेवरा, रामदेव जी की कर्म भूमि जन्म भूमि वही है, इसी रामदेवरा की यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ तक आपको आगे बात समझ में, जिन विद्यार्थियों को एक बार ये बात समझ में आ गई वो एक बार यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अब यहाँ पर सातवां सवाल देखना, राजस्थान की आकृति किसके समान है। देखिए जब मैंने आपको राजस्थान एक परिचय करवाया था, मैंने आपको कहा था इन बातों को ध्यान से रख लेना, ध्यान से देख लेना कि राजस्थान की आकृति है वो किसके समान है। गोल, गोल को कहते हैं ऐसे, ऐसे तो राजस्थान हो ही नहीं सकता। आयत, आयत के रूप में कभी राजस्थान हुआ ही नहीं है और ना होगा। अब यहाँ पर आगे वाली बात कह देते हैं, पतंगकार, राजस्थान की आकृति सड़ककार है यानी कि पतंगकार है। ऐसे करके राजस्थान की आकृति है वो है यानी कि आपके ये छः कोने वो राजस्थान में कम्प्लीटली बनते हैं, तो ये वाली आकृति है वो राजस्थान की है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, राजस्थान की आकृति पतंगाकार है। यहाँ तक आ गई बात समझ में। त्रिभुज, त्रिभुज कहते हैं, ये वाला हो गया आपका त्रिभुज, त्रिभुज जैसी राजस्थान की आकृति है ही नहीं, तो अब यहाँ पर आगे क्यों डिस्कस करें। यहाँ तक हो आपका क्वेश्चन क्लियर, कैसे यहां तक तो क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब अगले क्वेश्चन में बढ़े, अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पक्का छपने वाला क्वेश्चन है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान का स्थान है, भौगोलिक दृष्टि से देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है। 1 2 3 4 यहाँ पर टोटली आपको चार यहाँ पर दे रखे हैं। अब यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का प्रथम स्थान है। मैंने आपको जिस समय राजस्थान एक परिचय पढ़ा रखा था उस समय पढ़ाया था, तो यहाँ पर कौन सा स्थान है कि सर यहाँ पर तो स्थान है आप लोगों का प्रथम। अगर बात की जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का प्रथम स्थान कौन से जिले का है, अगर यहाँ पर यही बात है वो जिले के अकॉर्डिंग पूछ लिया जाए तो यहाँ पर आ जाएगा जिला आपका जयपुर। और सबसे कम का पूछ लिया जाए तो सबसे कम का जिला है वो आपके जैसलमेर है। कौन सा जिला है दोस्तों? जैसलमेर। ठीक है, आगे बात समझ में। यहाँ पर अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। देखिए दो चीज़ होती है, सबसे पहले तो ये सवाल क्लियर करवा देता हूँ, उसके बाद में इसके बारे में कुछ जानकारी है वो देना चाहता हूँ। जैसलमेर, बीकानेर, भीलवाड़ा, बाड़मेर। अब यहाँ पर मेरी बात ध्यान से समझना, क्षेत्रफल की दृष्टि से आ जाए सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा है, तो सर वो है आपके जैसलमेर। कौन सा है आपके जैसलमेर? अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछ ले, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, वो है आपके जयपुर। कौन सा है? जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर की यहाँ पर बात की जा रही है। अब यहाँ पर दसवां सवाल देख सकते हो, क्षेत्रफल के आधार पर राज्य का सबसे छोटा जिला कौन सा है। यहाँ पर आपको क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला है वो बताना है, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, राजसमंद। 2 मिनट का मैं सभी विद्यार्थियों को सोचने का टाइम देता हूँ, तब तक आप सोचिए। कई विद्यार्थी बिल्कुल क्राइटेरिया के पास पहुँच रहे हैं, जो विद्यार्थी क्राइटेरिया के पास पहुँच रहे हैं वाकई में उनका सही जवाब है सर डी, राजसमंद। दोस्तों आगे की क्लासें लगानी है या फिर नहीं लगानी है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, ऑनलाइन टेस्ट। और अगर इस वीडियो पर 70+ लाइक होते हैं तो दोस्तों मैं आगे की क्लास आप लोगों के लिए कंटिन्यू रखूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।